नमस्ते दोस्तों, तो आप देख सकते हो हमारे पास एक Y2 का फ़ोन है, MI Y2। इसमें से नोटिफिकेशन लाइट जो वाइट लाइट होता है वो ब्लिंकिंग हो रहा है, ना ही सेट ऑन हो रहा है ना चार्जिंग हो रहा है। ये फ़ोन मेरे पास आया था पहले, काफ़ी 1-2 महीने पहले। इसका EMMC का प्रॉब्लम था, मतलब ऐसे ही हो रहा था, तो EMMC पे हल्का सा हीट दिया तो चालू हो गया था हैंडसेट, फिर से ही प्रॉब्लम है। जैसे हम PC पे लगाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली पोर्ट बना देता है, अब देख सकते हैं आप, लाइट ब्लिंकिंग हो रहा है। आपको PC में लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ ये ऑटोमेटिक पोर्ट बना रहा है कि नहीं। अब देख पा रहे होंगे हम PC पे आ चुके हैं, मोबाइल को कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हो कुछ कोई बटन ना दबाई, DL पॉइंट शॉर्ट किए, देख सकते हो आप यहाँ पे पोर्ट ऑटोमेटिक पोर्ट बन रहा है, छोड़ रहा है। चलो फटाफट मोबाइल को खोल लेते हैं। डैमेज ना हो इसलिए बेस डाल देते हैं हल्का।
आप EMMC रिवॉल्व करोगे, हो सकता है कि आपका सेट ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगे। देख सकते हैं आप कंप्लीटली ऑन हो चुका है हमारा सेट। आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप इजी कर सकते हो।